जहां 3 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे विजासन रोड पर एक किराना और जनरल स्टोर में आग लग गई, जिससे दुकान मालिक को करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार यहां सूर्य मंदिर वार्ड में विजासन रोड पर वैशाली किराना और जनरल स्टोर्स नाम की दुकान है। घटना वाले दिन दुकान मालिक ने रात में दुकान बंद कर अपने घर वापस आ गया। कुछ देर बाद एक राहगीर ने एक दुकान के शटर से धुआं उठते देखा। उसने तुरंत दुकान मालिक को मोबाइल पर सूचना दी। दुकान मालिक तुरंत मौके पर पहुंचा और दुकान के शटर खोले तो देखा कि दुकान धुएं में जल रही थी, लेकिन तब तक दुकान में आग लग चुकी थी। दुकान में रखा किराना और सामान जल कर राख हो गया। इससे दुकान मालिक को करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान में आग लगने की सूचना मिलने पर महापौर अनिल धनोरकर ने तत्काल भद्रावती नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा। इसके अनुसार दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कोरोना पहले से ही खराब स्थिति में है और आग ने दुकान मालिक के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दुकान हाल ही में नए सामानों से भरी हुई थी, यह पूरी तरह से जल कर राख हो गया है। इसकी सूचना भद्रावती पुलिस को गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। कमीत कमी 3 ते 3.5 लाखाच नुकसान आहे। आग तुम्ही आता भरला? आता भरला आहे, जस्ट आहे किराणा आणि जनरल स्टोर्स आहे। माहिती कशी झाली तुम्हाला दुकानाला आग लागली म्हणून? माहिती म्हणजे रात्रीला मला कॉल आला, तुमचे ड्युटीवर जाऊन राहिले होते, त्यांना धूर दिसला तर त्यांनी हॉर्न वाजवून साईडला उठवले। त्यांनी मग मला कॉल केला का तुमच्या दुकानामधून धूर निघून राहिला बाबा, तेव्हा मग मी रात्री आलो। फायर ब्रिगेडसाठी मग नाही कॉल केला होता त्यांनीच, जो हॉर्नमधला त्यांनीच कॉल करून फायर ब्रिगेडला बोलवलं होतं। भद्रावती से BCN न्यूज के लिए शंकर डे की रिपोर्ट।